हमें गिनना आता है साहब, हर बार साला लाल करके जाता है। दोस्तों, डर्टी पिक्चर मूवी से अवार्ड और नेम फेम लेने वाली एक्ट्रेस विद्या बालन टॉप की अभिनेत्रियों में से एक है। विद्या बालन ने अपने करियर की शुरुआत हम 5 टीवी शो से की थी, जो कि साल 1996 में रिलीज हुआ। इसके बाद इनको साल 2005 में फिल्म प्रणीता में सैफ अली खान और संजय दत्त के साथ देखा गया और एक्ट्रेस ने इस फिल्म से खूब कामयाबी हासिल की थी। लेकिन दोस्तों, आप शायद नहीं जानते होंगे कि विद्या बालन 8 साल तक पर्दे पर नजर क्यों नहीं आई। हम 5 टीवी शो से लेकर प्रणीता तक पहुंचने वाला विद्या बालन का ये सफर बहुत ही कठिन था और इन 8 सालों के समय में इन्हें मनहूस भी बुलाया गया और उस समय विद्या बालन को 12 फिल्मों से बाहर निकाल दिया गया। अपने एक इंटरव्यू में विद्या बालन ने बताया था कि इन्होंने हम 5 सीरियल 1996 में किया था और प्रणीता फिल्म 2004 में की। इसी बीच इन्होंने अपने ग्रेजुएशन और MBA की पढ़ाई पूरी की। दरअसल विद्या बालन ने एक मलयालम फिल्म सुपरस्टार मोहनलाल के साथ की थी, लेकिन किसी कारण से ये फिल्म बंद पड़ गई और इसके बाद डायरेक्टर्स ने विद्या बालन को मनहूस कहना शुरू कर दिया। इनकी पहली ही फिल्म बंद पड़ गई है और इस समय विद्या बालन के पास 12 और फिल्मों प्रोजेक्ट भी थे, जो एक एक कर सभी खत्म हो गए और विद्या को निकाल किसी और को कास्ट कर लिया गया। दोस्तों, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि टीवी शोज और एड्स में भी विद्या की जगह किसी और को कास्ट कर लिया गया। वो 8 साल विद्या बालन के बहुत ही सख्ती के दिन थे, लेकिन 2004 में विद्या बालन की किस्मत फिर चमकी और इनके अच्छे दिन शुरू हो गए और विद्या बालन को फिल्म प्रणीता में काम मिला। फिल्म काफी हिट साबित हुई और इसके बाद एक्ट्रेस ने लगे रहो मुन्ना भाई, किस्मत कनेक्शन, हे बेबी, कहानी, भूल भुलैया और डर्टी पिक्चर में भी काम किया। विद्या बालन ने अपनी मूवी में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से अपने दर्शकों का दिल जीता। लेकिन दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना नाम जमाना कोई आसान काम नहीं है। कई बार एक ही पिक्चर एक्ट्रेस को इतनी बुलंदियों पर ले जाती है कि हजार फिल्में भी इतनी बुलंदियों पर नहीं ले जा सकती। तो दोस्तों, ऐसी ही फिल्म में काम करके विद्या ने खुद को इतनी बुलंदियों पर पहुंचाया और इस फिल्म का नाम था द डर्टी पिक्चर। और इस फिल्म में विद्या ने अपने से 30 साल बड़े एक्टर के साथ बोल्ड सीन दिए और रातों रात बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा नाम बन गई। जबकि एक वक्त ऐसा था जब एक्ट्रेस को मनहूस बोलकर 12 फिल्मों से बाहर कर दिया गया था। विद्या बालन ने डर्टी पिक्चर में 60 सालाना नसीरुद्दीन के साथ लव मेकिंग सीन देकर सुर्खियों में अपनी जगह बना ली। विद्या बालन उस समय 30 साल की थी। विद्या बालन को और भी कई फिल्मों से पहचान मिली, लेकिन इस फिल्म में विद्या ने अपनी ऐसी पहचान बनाई जो कि हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। विद्या बालन को इस फिल्म के लिए 12 अवार्ड भी मिले। दोस्तों, एक्ट्रेस की नई आने वाली फिल्म शेरनी है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, डायरेक्टर्स का विद्या बालन को मनहूस कहना सही था या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही ऐसी मसालेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।